किसानों के मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं है, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने आज सभागृह में किया है। किसानों के मुद्दे पर सरकार शुक्रवार को जानकारी देगा, इसलिए सरकार किसानों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, ऐसा आरोप नाना पटोले ने लगाया। अधिवेशन शुरू है, महाराष्ट्र में जो बेमौसम बारिश एक साल के पहले गिरी थी उसके भी पंचनामे अभी तक हुए नहीं थे, उसके वजह से किसानों को मदद नहीं दी गई। बरसात के मौसम में भी आधे से ज़्यादा एरिया में सूखा रहा, आधे से ज़्यादा एरिया में बाढ़ आई और वहाँ पर अब भी किसानों को मदद दी गई नहीं। अभी बेमौसम बारिश में जो बचा हुआ था वो भी किसान की फसलें पूरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सरकार ने मदद न देने की वजह से महाराष्ट्र में रोज एवरेज में 14 किसान आत्महत्या कर रहा है। आज किसानों के बारे में जो चर्चा विधानसभा में रखी गई थी उसका जवाब अब मुख्यमंत्री आने वाले शुक्रवार को देने वाले हैं। हम सरकार को चाहते कि कल देने से आज ही जवाब दीजिए, पर सरकार विरोधी धोरण जो बीजेपी प्रणीत एड़े की सरकार महाराष्ट्र की है वो सरकार किसान विरोधी है और उसका परिणाम आज महाराष्ट्र का किसान भुगत रहा है, और इसलिए ये सरकार का हम और किसान निषेध करते हैं। मंत्री बोल रहे हैं कि किसानों की मदद के लिए ऐसी घोषणा करेंगे कि निरोधक देखते रह जाएंगे। इस मुद्दे पर नाना पटोले ने कहा कि पिछले अधिवेशन में सरकार ने इसी तरह घोषणा की थी, आज उन्हें उनके इस घोषणा की हमने याद दिलाई है। आणि सरकारची कान उघडणी केली पण सरकार त्याचं उत्तर द्यायला तयार नाही। महाराष्ट्रातलं मागासवर्गीयांचं आयोग जस्टिस निरगुडे समितीच्या माध्यमातून जे सुरू होतं संविधानिक आयोग, त्या आयोगावर जे शिंदे आयोग मराठा आरक्षणासाठी बसवलेला आहे त्या आयोगाचा दबाव त्यांच्यावर सातत्यानं आहे की आम्ही दिलेली माहिती हीच खरी माना आणि त्या पद्धतीचा निर्णय घ्या। अशा पद्धतीचा दबाव या निरगुडे आयोगावर आणला जात होता अशी माहिती आमच्याकडे आहे, आणि म्हणून सरकारने तातडीने याच्यावरचं निवेदन करावं की त्यांचे पहिले सदस्यांनी राजीनामे दिलेत, आता स्वतः अध्यक्षांनी त्या ठिकाणी राजीनामा दिला आहे, पण सरकार राज्याच्या जनतेशी ही माहिती लपवत आहे अशा पद्धतीचा दृष्टिक्षेपात आलेला आहे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, यह महत्वपूर्ण जानकारी सरकार ने छुपाई है। यह बात भी नाना पटोले ने पत्रकारों के समक्ष की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।